सत श्रीकाल दोस्तों, मैं बलजीत सिंह सहगल साइंग ओवरसी एजुकेशन सर्विस तो तुम देख रहे हो कि अज तुम मैं 11 यूक्रेन के वीज़ा दिखा रहा। तो तुम एक होर बहुत इंपोर्टेंट इनफॉर्मेशन तो शेयर कर चाह रहे हैं कि 15 दिसंबर तो बाद यूक्रेन जो कि रूल आउट चेंज हो जा रहे हैं। तो जो बच्चे लैंग्वेज कोर्स अप्लाई करना चाह रहे हैं वो गैप अक्सैप्टेबल नहीं होएगा। सो हूँ थोड़े को राइट टाइम है कि जो बच्चे चाह रहे हैं, साढ़ा 10 to 12 ईयर्स का गैप है, तुहाड़ी एज 30-32 ईयर्स तक तुहाड़ी एज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 100% वीजे की श्योरिटी और कोई पेमेंट पहले नहीं, ऑल पेमेंट इज आफ्टर गेटिंग वीज़ा। और यूक्रेन का माइंड इच अपने रख लेना कि 15 दिसंबर तो बाद, जो कि मैं बहुत टाइम तो दस रहा कि रूल बहुत जल्दी चेंज होंगे, बिकॉज ऑफ कि बहुत ज़्यादा कंपनीज पंजाब की अगर गल करा तो बहुत ज़्यादा कंसलेंट्स यूक्रेन प्रमोट कर रहे थे और हज़ारा फाइल्स अंबैसी के लॉन्च हो रही हैं। और आज की डेट अगर मैं गल करता हर एक का 100% वीज़ा आ रहा, लेकिन साई ओवरसीज़ तो क्यों अप्लाई करना। सो सब तो लैस पैकेज चैलेंज नाल कह रहा, साई ओवरसीज़ कंपनी चैलेंज कर रही है इस चीज़ को कि साढ़ा एक भी बच्चा एयरपोर्ट तो डिपोर्ट नहीं होया। बहुत ज़्यादा बच्चों को इस चीज़ की प्रॉब्लम आ रही है, साढ़े ऑफिस विजिट करते हैं, कहते हैं कि सर मेरे फ्रेंड ने कितों होर अप्लाई किया, एयरपोर्ट तो प्रॉब्लम आई या यूक्रेन जाके उतों बच्चा डिपोर्ट हो गया, लेकिन साई ओवरसीज चैलेंज कर रहा है कि साढ़ा एक भी बच्चा डिपोर्ट नहीं होया। सो दैट्स वाई अज हर एक बच्चे का जो ट्रस्ट है, अगर यूक्रेन अप्लाई करना है तो साई ओवरसीज तो प्रैफर कर रहा है कि अगर मैं यूक्रेन अप्लाई करना तो साई ओवरसीज तो अप्लाई करा। सो अगर तुम अप्लाई करना चाह रहे हो, सारी पेमेंट वीज़ा लगन तो बाद देना चाह रहे हो, गैप है, क्वालिफिकेशन घट है, रिफ्यूजल है, घट बजट के अप्लाई करना चाह रहे हो, तो आज ही साई ओवरसीज विजिट करो और यूक्रेन जाकर अपना सपना पूरा करो। थैंक यू वेरी मच।